अभी हाल में अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने निकलकर आई थी कि अमेरिका के एक नागरिक की हत्या के साजिश के पीछे भारत का हाथ है। आपको बता दें कि अमेरिका जिस नागरिक की बात कर रहा था वह खालिस्तानी आतंकी पन्नू था। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा था कि 52 साल का एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता, जो भारत सरकार का एम्प्लॉय है, उसने न्यूयॉर्क सिटी के नागरिक की हत्या की साजिश रची थी। डिपार्टमेंट ने खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसका इशारा पन्नू की ओर ही था क्योंकि गुरु पतवंत सिंह पन्नू अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ही रहता है। डिपार्टमेंट के मुताबिक यह भारतीय नागरिक यानी निखिल गुप्ता सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन को देखता था। निखिल गुप्ता पर यह भी एलिगेशन लगाया गया था कि उसने पन्नू की हत्या के लिए $1,00,000 देने की बात कही थी। इसमें से $15,000 की एडवांस पेमेंट 9 जून 2023 को कर दी गई थी, लेकिन निखिल गुप्ता ने जिस शख्स को इस काम को करने के लिए हायर किया था वह अमेरिकी एजेंसी का ही एक एजेंट निकला था। अब इस मुद्दे को लेकर भारत सरकार यानी कि खुद मोदी जी ने ही प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि अमेरिका की ओर से भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर लगाए गए गंभीर आरोप पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर कोई भी देश हमें कोई जानकारी देता है तो हम निश्चित रूप से उस पर गौर करेंगे। अगर हमारे किसी भी नागरिक ने कुछ भी सही या गलत किया है तो हम उस पर गौर करने के लिए तैयार हैं। हमारी कमिटमेंट कानून के शासन के प्रति है। अमेरिका ने हाल ही में निखिल गुप्ता पर सेपरेटिस्ट ग्रुप सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल गुरु पतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि विदेशों में छिपे हुए कुछ चरमपंथी समूह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में डराने धमकाने और हिंसा भड़काने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का मेजर कंपोनेंट रहा है। मुझे नहीं लगता है कि कुछ घटनाओं को दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन से जोड़ना उचित है। हमें इस तथ्य को स्वीकार करने की जरूरत है कि हम मल्टीलेटरलिज्म के युग में रह रहे हैं। दुनिया एक दूसरे से जुड़ी होने के साथ साथ एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है। यह वास्तविकता ही हमें मजबूर करती है कि एक दूसरे के प्रति सहयोग के लिए सभी मामलों पर पूर्ण सहमति नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में पिन करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।